अजय टेबल ने बोला विबल खाओ तो जिंदगी शानदार बनेगी। फिर उसने शायद विबल खाना शुरू किया। फिर किसी ने बोला ये बच्चे जैसी चीज कब तक करेगा, बड़ा हो जाए। फिर उसने सिगरेट पीना शुरू किया, गांजा लेना शुरू किया, गुनेगारी की दुनिया में गया, ब्राउन शुगर की आदत लग गई और फिर उसको पढ़ाई में मन लगना बंद हुआ। दिन भर ब्राउन शुगर लेना और वो लेने के लिए पैसा जमा करना, तो उसको एक दिन में 200-300 रुपए लगते थे, नहीं थे, चोरी करता था, पुलिस पीछे पड़ा जम मार के बैठे। जैसे मखदूम सर ने बोला कि दारू और तंबाकू इनको हम छोटे जहर मानते हैं बट ये गेटवे ड्रग है। गेटवे मतलब आपकी दुनिया में एक गेट खोलते हैं और ये गेट के उस साइड और हानिकारक पदार्थ है, क्राइम है। आप जिस उम्र में हो, एज स्टैंडर्ड में हो, आप बोलोगे यार हम लोग में से कोई ऐसा सब नहीं करता, पकाते क्यों? हम आपको इसलिए पका रहे हैं क्योंकि आपकी जो ये उम्र है इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में जो डायरेक्शन आप चूज करोगे दैट विल डिसाइड के 20 साल बाद आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा या किसी को व्यसन में फंस के उसकी गुलाम बन के आप पश्चाताप करोगे कि आप कहां फंस गए। तो आज की दिशा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम बात करेंगे। तो मैं दारू और तंबाकू पे मेन की बात करूंगा कि उन्हें शुरू क्यों नहीं करना चाहिए। बिफोर दैट आप में से कितने लोगों को लगता है कि दारू पीना अच्छी बात है, ऐसे करो, या आप में से कितने को लगता है तंबाकू खाना गलत बात है, ऐसे करो, ओके राइट, ओके फाइन। इन शॉर्ट आप में से सभी लोगों को पता है कि दारू बुरा तंबाकू बुरा, फिर भी लोग खुद के पैसे देके इन चीजों को खरीद के खाते हैं, बराबर। तो अगर एक स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता है ये खराब चीज है फिर भी लोग खुद के पैसे देके क्यों खरीदते हैं? ठीक है, हमारा ग्रुप काफी बड़ा है, हम बात नहीं करेंगे, मैं ही बड़ा होगा। तो उसके 6 कारण हैं और अगर हम ये 6 कारण को समझे और उसका उत्तर समझे तो फिर हम इन चीजों से दूर रह पाएंगे, बराबर है, ओके। तो ये चीजें शुरू करने का सबसे पहला कारण है हम जिन लोगों को भगवान मानते हैं, शाहरुख खान, धोनी, अजय देवगन, ये सब हमको बोलते हैं कि हम आज जिंदगी में बड़े हो गए क्योंकि हम दारू पी रहे हैं, है ना? और क्योंकि हम आज बन करके वो जो बोले वो सही मान के चलते हैं इसलिए हम फंसते हैं। तो मुझे बोलो वाकई में शाहरुख खान दारू पीने की वजह से बड़ा बना है क्या? तो दोस्तों शाहरुख खान महान एक्टर है क्या? शायद है। धोनी महान क्रिकेटर है क्या? है। बट इतने अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए अगर आपको बुद्धू बनाए तो क्या वो जिम्मेदार नागरिक है? मेरे मुताबिक नहीं। और इसीलिए ये लोग कौन है पैसे बनाने के लिए हमको बुद्धू बनाने वाले लोग हैं, ये अगर आप क्लियर मन में रखोगे और वो जो बोलेगा मैं आप बंद करके नहीं करूंगा तो फिर आप फंसोगे नहीं, बराबर बात है। सेकेंड बात, ये चीजें कितनी खराब है हमें पता नहीं। आप लोगों ने पता है खराब है बट कितनी खराब है पता नहीं। अगर मैं आपको पूछूं दारू से मृत्यु किस तरह हो सकती है तो आप बोलोगे लिवर बिगड़ जाए, बराबर। और कुछ? दारू से मृत्यु किस तरह हो सकती है? तो ठीक है, जब जनरली मैं ये प्रश्न पूछता हूं तो लिवर बिगड़ता है एक ही चीज लोग बोलते हैं, बट अगर 100 लोग दारू से मरते हैं तो सिर्फ 16 लोग लिवर बिगड़ते मरते, बाकी 84 मरते कैसे? वेरी गुड, ओके। जिस तरह तंबाकू कैंसर करता है दारू भी बहुत सारे कैंसर करता है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात हार्ट अटैक और स्ट्रोक। द मोस्ट कॉमनली अल्कोहल किल्स इज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, बट हार्ट अटैक और दारू में कुछ कनेक्शन है हमको पता ही नहीं है, बराबर है। तो जब आप दारू पीते हो, तंबाकू खाते हो, आपकी जो आर्टरीज है वो अंदर से बिगड़ती है और वो बिगड़ने के बाद वहां पे कोलेस्ट्रॉल और सारा जमा होके वो ब्लॉक होने का चांस बढ़ जाता है, बराबर, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर दिल की आर्टरी बंद पड़ गई तो दिल को खून नहीं मिलता, दिल मर जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक आया।
दिमाग की आर्टरी बंद पड़ने पे दिमाग को खून नहीं मिलता, पैरालिसिस आता है, और अगर बड़ा दिमाग का पार्ट मर गया तो इंसान मर जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, सो फर्स्ट इज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। सेकंड, एक्सीडेंट, दारू से एक्सीडेंट होता है, हाँ वो तो पता है, बट हम कनेक्ट नहीं करते। एक्सीडेंट, रोड पे, कंपनियों में, बाथटब में, बाथटब में स्नान करते करते लोग डूब के मर जाते हैं। यूएसए में हर दिन एक इंसान बाथटब में डूब के मरता है, क्योंकि वो दारू या ड्रग्स के नशे में चूर रहता है और तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स दारू की वजह से होते हैं। थर्ड, लिवर डैमेज होता है। फोर्थ, कैंसर, तंबाकू की तरह दारू भी बहुत सारे कैंसर करता है। फिफ्थ, मर्डर, सुसाइड। आपको लगे मर्डर, दारू, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, बेचारे दारू का क्या फॉल्ट है ना, इंसान की गलती है। हम दारू का फॉल्ट बोलते हैं क्योंकि ये दारू का गुणधर्म है। जब कोई दारू पी के गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी और सामने वाले बंदे के बीच में डिस्टेंस कितना है वो जज नहीं कर पाता। उसको ब्रेक मारना है, उसको व्हील टर्न करना है, बट उसका हाथ और पैर उसकी कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो क्योंकि ये दारू का गुणधर्म है, दारू पी के कोई भी गाड़ी चलाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात, जब दारू पी के इंसान गाड़ी चलाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कम? हाँ, दारू पी के मैं राजा, आपने बस सब चल रहा है, तो उसका कैपेसिटी हुआ कम, कॉन्फिडेंस हो गया डबल, और इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं और इसीलिए दारू की जिम्मेदारी है। उसी तरह से जब इंसान दारू पीता है तो सही गलत सोच नहीं पाता, राइट? पिक्चर में आप देखोगे किसी को गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है तो उसका फ्रेंड क्या बोलेगा, दो पैक मार फिर जान बिना सो बोल दे, राइट? क्योंकि दारू पीने के बाद आप सही गलत सोच नहीं पाते हो, बट जो ज्यादा सीरियस चीजें हैं उसमें भी फिर आप सही गलत सोच नहीं पाते। छोटी छोटी बातों पर लोग फाइटिंग करते हैं, कभी कभी मार आते हैं, नेक्स्ट दिन सुबह जब होश आता है तब तो शिट क्या कर दिया। नो वन किल्ड जेसी का फिल्म देखा है, सुना है, ऐसी कोई फिल्म थी, राइट? बार में आया, दारू मांगा, नहीं दारू नहीं दी, फिर क्या? छोटी छोटी बातों पे फाइटिंग करते हैं, मार आते हैं। जागतिक आरोग्य संगठन कहती है कि हमारे समाज में जितने भी मर्डर होते हैं उसके 22% सिर्फ दारू की वजह से होते हैं। 22% मर्डर्स एंड 22% सुसाइड्स आर बिकॉज ऑफ अल्कोहल। सुसाइड क्यों? दारू पीने वाला बुरा है क्या? दारू पीने वाला गधा है, अक्कल नहीं है, इसीलिए दारू पीता है क्या? नहीं, दारू पीने वाला बुरा नहीं है, दारू बुरी है। मैं और तुम अगर कल दारू पिएंगे तो कुछ साल बाद हमको भी आदत लग सकती है, और फिर वो इंसान को समझता है कि मेरी वजह से मेरा घर आज दुखी है, मेरी वजह से मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं दारू छोड़ नहीं रहा, इंसान हूं, गधा हूं, कुत्ता हूं, क्या हूं, मेरे को जीने का हक नहीं है, खुद को जलाता है, 3 दिन बंसोड़ में बम मारता है, मरता है। काफी बार ये प्रॉब्लम से परेशान होकर उसकी वाइफ खुद को सुसाइड करके मारती है। तो हमारे समाज में बहुत सारा दुख दारू की वजह से है और इसीलिए सुसाइड होते हैं। उसी तरह से दारू से इंफेक्शियस डिजीजेस भी होते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, न्यूमोनिया वगैरह। इंफेक्शियस डिजीजेस कैसे? टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हम सब में है, मुझ में, तुम में, सब में, पर हमको टीबी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी फिट है, हमारा इम्यूनिटी फिट है टू फाइट इट, बट जब दारू से हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है तो फिर हमें टीबी, न्यूमोनिया और ऐसे इंफेक्शियस डिजीजेस होते हैं। WHO का कहना है कि जितने भी लोग टीबी से मरते हैं उसमें से 10% सिर्फ दारू की वजह से, बॉडी बिगड़ जाने की वजह से मरते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, लीवर छोड़ने के भी बहुत सारे कारण हैं जिससे दारू मारता है, बट हमको ये सब कारण पता नहीं है और इसीलिए शाहरुख खान, धोनी हमको बुद्धू बना रहे हैं। तो हमको पूरी जानकारी लेना जरूरी है। हर साल दारू से 33 लाख
लोग बनते हैं. एवरी 10 सेकेंड्स वन पर्सन इज किल्ड बाय अल्कोहल. एवरी 10 सेकेंड्स वन पर्सन. बट स्टिल आवर सोसाइटी कीप्स टेकिंग इट एंड कीप्स डाइंग. व्हाई? इससे बहुत सारे लोग मरते हैं. सबको पता है फिर भी लोग लेते हैं और मरते हैं. क्यों? क्योंकि सबको लगता है हाँ बुरी बात पर मुझको लागू नहीं पड़ता क्योंकि मेरा विल पावर तो स्ट्रांग है. ये सब गरीब लोग दुर्घटना करते हैं. उम्र ज्यादा नहीं है बट क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं मुझको ये सब लागू नहीं पड़ता. ये भ्रम हम सबको है और इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे घर में भी बहुत सारे लोग फिर करते हैं क्योंकि सब लोग ये भ्रम में जी रहे कि मुझको लागू नहीं है. दोस्तों आसमान से कोई भी नहीं टपका. इंसान कोई भी जो एक आदत करने वाली चीज को हाथ लगाता है उसको आदत लग सकती है इंक्लूडिंग यू एंड मी. ठीक है. सेकेंड टोबैको के बारे में देखेंगे क्विकली. अगर दारू से हर साल 33 लाख लोग मरते हैं 33 लाख तो तंबाकू से कितने लोग मरते हैं? गैस ज्यादा कि कम? ज्यादा 70 लाख. टोबैको किल्स 1% एवरी 5 सेकेंड्स. तंबाकू दारू से ज्यादा लोगों को मारता है बट हमारे यहाँ लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर हमें ये सब नहीं करो तो हम क्या करो तंबाकू खा लो. राइट? हमारे यहाँ इसको छोटा जहर मानते हैं. विदेश में इसको बड़ा जहर मानते हैं. बड़ा छोटा कुछ नहीं है सारे जहर है. तंबाकू खाने वाले दारू पीने वाले से डबल है इसलिए डबल लोग बनते हैं. ओके बॉटम लाइन ये ही था. ओके आप बोलोगे जल्दी मरेगा क्या फर्क पड़ता है जब तक जिएगा ऐश करेगा. इज इट ट्रू? जो लोग दारू तंबाकू लेते हैं क्या वो बाकी लोगों से ज्यादा खुश रह पाते हैं क्या? लेट्स सी जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कैसे करता है. सबसे पहला आपको अलग अलग बीमारियां करता है. हेल्थ इज वेल्थ. अगर आपको कभी पेट दुखेगा पैर दुखेगा ये होगा वो होगा तो आप एंजॉय नहीं कर सकते. बराबर? तो बहुत सारी बीमारियां करता है. सेकंड नपुंसकता का रिस्क बढ़ाता है. जिस तरह हार्ट की आर्टरी बंद पड़ गई तो हार्ट अटैक आ सकता है उसी तरह जब पेनिस की आर्टरी बंद होती है तो पेनाइन इरेक्शन बराबर हो नहीं पाता नपुंसकता होने का चांस बढ़ता है. थर्ड फिजिकल स्टैमिना कम करता है. आपका हार्ट बिगड़ गया लंग्स बिगड़ गया हाथ पैर बिगड़ गए तो आपका फिजिकल स्टैमिना कम होता है. एक बार किसी ने स्मोकिंग शुरू किया विदिन टू इयर्स वो फुटबॉल खेल नहीं सकता. फोर्थ आपकी अट्रैक्टिवनेस कम करता है. एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि तू दारू पी गर्ल्स मैग्नेट की तरह अट्रैक्टिव होके आ जाएंगी. राइट? ही वुड सुथाउज दूध पीता है चीची ही वुड स्माइल थाउजेंड सच्चा मर गए तू. राइट? मुझे बोलो अगर दारू पी के आपके से बास मार रही है आपका पैर किधर जा रहा है आपको समझ नहीं आ और बस बोल रही क्या भारी आदमी है वाह पॉसिबल है क्या? अगर आप तंबाकू खाते हो ई करने पे काला पीला सब दिखता है किधर भी जाके करते हो तो गवार दिखते हो कि स्मार्ट? कीप इन माइंड गर्ल्स डू नॉट लाइक Guys who drink or smoke, उनको वो गवार रखते हैं. आपको अगर गवार रखना है तो तंबाकू खाइए. स्मार्ट दिखना है तो गर्ल्स को पूछिए क्या करना चाहिए. ठीक है? और वो बोलेगी कि ये चीजों को हाथ मत लगाना. फाइन आपकी अट्रैक्टिवनेस कम करता है. फिफ्थ आपका फाइनेंशियल पावर कम करता है. जो गरीब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दारू छोड़ने आते हैं वो भी अपने दारू पे 5 से 6 लाख खर्चा कर चुके होते हैं. Just imagine 5 to 6 lakhs. अगर यही पैसे उन्होंने बचाए होते तो आज उनका घर कहां से कहां निकल गया रहता. Am I right? तो क्योंकि दारू तंबाकू की आदत लगने के बाद वो रोज लेना पड़ता है पैसे पे बहुत बड़ा फटका लगता है. सिक्स आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी काम करने की क्षमता कम करता है. पुनः में जब मैं काम करता था तो मैंने मेरा पेंट रफू कराने टेलर के पास दिया. एक वीक बाद में फिर से गया दुकान पर बाजू वाले को मैंने पूछा कि टेलर कहाँ गया तो उसने मुझे पूछा पैसे दिए क्या? मैंने बोला हाँ. तो उसने बोला भूल जा. उसने बोला एक जमाना था जब वो टेलर उस एरिया में सबसे फेमस था
बट फेमस था, पैसे आए, पैसे आए, फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स आए, दारू आए, दारू से फिर धीरे 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 उसकी कैपेसिटी कम हुई और अभी वो स्टिचिंग नहीं कर पा रहा, पूरा दिन दारू की भट्टी पर बैठता है, जब पैसे खत्म हो गए सिर्फ तभी दुकान पे आता है, पैसे लेके फिर से भागता है, टेलिंग नहीं कर पाता, गिरा काया तो देख के भागता है। दोस्तों एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि तुम दारू तंबाकू लेने के बाद सक्सेसफुल होगे, रियल लाइफ में सक्सेसफुल लोग सेलिब्रेट करते हैं, दारू तंबाकू शुरू करते हैं और वो बर्बाद होकर घर पे बैठते हैं, राइट। तो मरणांगी के जितने भी लक्षण है, सेक्सुअल कैपेसिटी, फाइनेंशियल पावर, अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल पावर, काम करने की क्षमता, हर एक को फटका बैठता है। तो मरणांगी बढ़ गई या कम हुई? डेफिनेटली कम हुई। आप में से कितने लोगों को मर्द रहने की इच्छा है? काफी लोगों को है, राइट। तो अगर मर्द बने रहना है तो फिर दारू तंबाकू से दूर रहना जरूरी है, राइट। ओके, लास्ट में आपकी फैमिली को भी वो नुकसान करता है, आप सबको पता है। फाइन, सो पहला कारण अनुकरण हम किसका कर रहे हैं वो हमें देखना है। सेकंड, अज्ञानता है तो हमें पूरी जानकारी लेना जरूरी है। थर्ड कारण, आदत लग जाती है। आप किसी को चिल्ला के बोलोगे ए दारू भी पीता है तो बोलेगा खुद के पैसे नहीं पीता, तेरे पैसे नहीं पीता, चुप है, बराबर है ना। बट अगर आप रिस्पेक्टफुली बोलोगे कि काका तंबाकू तो अच्छी चीज नहीं है, क्यों खाते हो, तो क्या बोलेंगे, बेटा फंस गया हूं, किसको खाना है, खाना पड़ता है, फंस गया हूं इसलिए खा रहा हूं, बराबर है। इन चीजों की आदत लग जाती है। आदत क्यों लगती है? तो उसका गुणधर्म है। एग्जाम्पल, जब आप पहली बार तंबाकू खाओगे तो किक बैठेगी, ऐसा लगेगा क्या चीज बनाई भगवान ने, टू गुड। बट जब वो किक निकल जाएगी तब आप पहले से भी ज्यादा बेचैन महसूस करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा और एक लोगे तो किक बैठेगी बट पहले से कम और उसके अंत में और खराब करेगा। और जब आप पूरी तरह आदत लग जाएगी तो सुबह उठते बराबर जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी काम नहीं करेगी, बराबर ना। जो लोगों को तंबाकू खाने की आदत है वो सुबह क्या नहीं कर पाते, ब्रश तो कोई भी कर सकता है, खुद से संडास भी नहीं कर सकता, राइट। उनका मन और शरीर पूरी तरह गुलाम बन जाता है, राइट। जब तक वो चीज ना मिले, दारू पीने वाले को अगर सुबह दारू ना मिले तो मछली दारू मिल गया तो हाँ भी थोड़ा गड़बड़ है, राइट। आप में से कितने लोगों को गुलाम बनने का शौक है? अगर गुलाम बनने का शौक नहीं है तो जो चीजें गुलाम बनाती है उनको हाथ मत लगाना। ये आपकी विल पावर की बात नहीं है, ये दारू का गुणधर्म है कि आपने उसको हाथ लगाया तो धीरे धीरे गलत बढ़ेगी। बियर से शुरू होके वाइन पे जाके वोडका पे देसी पे नारंगी सारंगी पे वो एंड होता है, उसकी आदत बढ़ती है। उसी तरह वो ना मिले तो तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग जिनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सक्सेसफुल फिल्म स्टार्स, दारू को हाथ लगाया बर्बाद हो गए। दोस्तों डॉक्टर के नाते मैंने बहुत लोगों को छोड़ने की कोशिश करते हुए देखा है, बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं। तो जो चीज छोड़ना मुश्किल है उससे अगर खुद को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो चीज छोड़ना मुश्किल है उससे अगर खुद को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको शुरू नहीं करना जरूरी है, राइट। अगर आपको समझ गया कि यहाँ पे दलदल है तो क्या करोगे, दलदल ये क्या होता है, मैंने कभी देखा नहीं, मैं तो दलदल में पैर डाल के देखूंगा, ऐसे करोगे। उसी तरह से इस चीज को चखे तो देख, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों लाखों घर इस वजह से दुखी और बर्बाद हो चुके हैं, आपके घर के दुख और बर्बादी का कारण इसको मत बनाना, चखे मत। ओके, फोर्थ पॉइंट, काफी सारे गैर समझ समाज में है जिस वजह से हमें लगता है कि चलो देख लेते हैं। एक, मर्दानगी बढ़ती है, हमने देखा मर्दानगी बढ़ती नहीं है, कम होती है। दूसरा, टेंशन कम होता है, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, गम का साथी गायब है ना। मुझे बोलो अगर मैंने दारू पीना शुरू किया
सॉल्व करने को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। एक लाख का कर्जा 2 लाख बनता है, 10 लाख बनता है, अनसॉल्वेबल होता है, सुसाइड होता है। दोस्तों स्ट्रेस आने पे हमको वो स्ट्रेस को फेस करके उसको सॉल्व करना है। मतलब दारू पी के टुन्न हो जाते हो तो आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, कोई टेंशन बट टेंशन नहीं है, सिर्फ आपने खुद को अंधा बना दिया है, am I right? और अंधा बनने के बाद आपको टेंशन पे काम नहीं करते, इससे टेंशन बढ़ता है और आपको खलास कर जाता है। तो आपको एक घंटे का क्षणिक आनंद चाहिए दारू पियो, बट लॉन्ग टर्म में हैप्पी होना है तो फिर दारू तंबाकू स्ट्रेस कम करने का गलत तरीका है, जो शॉर्ट टर्म में मदद करेगा बट लॉन्ग टर्म में जब आपका पैर कटेगा, जॉब चला जाएगा, सेक्स करने को नहीं जाएगा, तब आपके टेंशन का कारण बनेगा, राइट? ओके। तीसरा मिसकंसेप्शन है, थोड़ा थोड़ा दारू हार्ट के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। दोस्तों ये सच नहीं है, कुछ स्टडीज ऐसा बोलते हैं बट ऐसे भी बहुत सारे स्टडीज है जो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा दारू भी अच्छा नहीं है। डिटेल्स जाने दो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अपने वेबसाइट पे वार्निंग लिखता है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल पोटेंशियली हैज द डेंजर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन विच पर्सन अल्कोहलिज्म विल बिकम अ प्रॉब्लम, हेंस वी कॉशन पीपल दैट द पोटेंशियल डेंजर्स आर फार मोर देन द क्लेम बेनिफिट्स इवन इफ दे आर ट्रू। Hence, we caution people not to start drinking thinking that it will protect your heart. मैंने बहुत सारे patients देखे हैं जिन्हें आज दारू की आदत है, but उन्होंने पहला drink friend की वजह से नहीं लिया था, किसी महान doctor ने बोला था थोड़ी-थोड़ी control में पीने का, सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई doctor भी आपको ऐसा बोलता है, doctor बदल देना, दारू मत पीना, right? So misconceptions. Second last point. जैसे सब लोग बोल रहे थे पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स फोर्स करते, राइट? मरने या साले हैं दोस्ती के खातिर फोर्स करते हैं। फ्रेंड्स फोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं दारू पीता हूं और आप में से कोई भी दारू नहीं पीता तो मैं किस तरह का बंदा हूं? आगा हूं, बीड़ा हुआ, बिगड़ गए। बट मैं दारू पीता हूं, ये सब भी पीते हैं, आप सब भी पीते हो, तो हम सब क्या हुए? नहीं बिगड़े क्या? कूल एंड स्मार्ट, राइट? सो बॉटम लाइन, उनको एक गिल्ट है कि ये अच्छा बन गया और मैं खराब रहा, और वो अपना गिल्ट कम करना चाहते हैं इसलिए तुमको फोर्स करते हैं। बाकी किसी चीज के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे चॉकलेट था मैं लेता हूं, चॉकलेट था अरे खा, ऐसा नहीं करेंगे। बट सिगरेट के लिए मैं लेता हूं, मेरे पैसे से खा, मेरे पी, बट आपको फोर्स करेंगे। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि चार लोग मुझे फोर्स करते हैं इसका मतलब वो लोग महान और मैं गधा, ऐसा नहीं होता। वो लोग गलती कर रहे हैं, उन्हें पता है, और वो तुमको भी फंसाना चाहते हैं, नॉट जानबूझ करके बट अपना गिल्ट कम कर रहे हैं। तो मैं दारू तंबाकू नहीं लेके समझदारी का निर्णय है, इसका गर्व रखना जरूरी है। अगर आप शर्म के बोलोगे नहीं मम्मी मारेगी मत मत फोर्स मत कर, तो आप गए, बराबर है? तो यू नीड टू बी प्राउड दैट आई एम मेकिंग द राइट चॉइस, वन। सेकंड, लुक इन द आई और एक बोल्ड नो बोलना जरूरी है, दारू ऐसी चीजें मैं नहीं लेता, नेक्स्ट टाइम पूछने का नहीं मुझे। जब आप कॉन्फिडेंटली आंख में आंख डाल के ना बोलोगे तो वो फिर से ट्राई नहीं करेगा, उसे पता है गाल यहां गलेगी। आप शर्मा शर्मा के ना बोलोगे तो वो और फोर्स करेंगे, ठीक है? थर्ड, ना बोलने के बाद भी जबरदस्ती करे तो क्या करेगा? वहां से वो जगह छोड़ के चले जाने का, क्योंकि अगर 5 लोग हैं और आप अकेले हो तो उनका पावर आपको ओवर पावर कर डालेगा, आपको भी दोस्त चाहिए, आप फंस जाओगे। लास्ट पॉइंट दोस्तों, मैं पीऊं नहीं तो फिर मुझे दोस्त कैसे मिलेंगे? भारत में और सब चीजें कम है बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, भारत में लोगों की कमी है। तो अगर आप खुद की जिंदगी को संभाल के रखोगे तो आज नहीं तो कल आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, बट अगर खुद दोस्तों के लिए खुद को बर्बाद कर डालोगे तो ये दोस्त भी आपको छोड़ते चले जाएंगे, राइट? सो कीप योर फ्रेंड सर्कल हेल्दी
एंड ये चीजें आपसे दूर रहेगी। लास्टली जैसे सर बोल रहे थे पीयर प्रेशर सिर्फ और लोग नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं जब हम कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलेंगे ये अच्छी चीज नहीं है नहीं करूंगा। अरे इससे इंसान 10 साल जल्दी मरता है, तेरी होने वाली बीवी को मैं 10 साल जल्दी विधवा होने नहीं दूंगा, मैं तेरे को दारू पीने नहीं दूंगा, बोल सकते हैं ना हम? तो हम भी पीयर प्रेशर शेप कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ये चीज गलत है बोल सकते हैं। लास्ट कारण हम दारू पीते हैं क्योंकि हम आजू बाजू सबको पीते हुए देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स कुछ डॉक्टर्स काफी लोग पीते हैं, काका नाना चाचा मामा सब लोग तंबाकू खाते हैं। तो जो चीज सब लोग करते हैं वो नॉर्मल है चलता है ऐसा मन को लग सकता है, am I right? बट दोस्तों एक चीज सिर्फ कॉमन होने की वजह से नॉर्मल बनती है क्या? हमारे समाज में चाइल्ड लेबर कॉमन है तो ये नॉर्मल है? फीमेल फेटिसाइड कॉमन है, नॉर्मल है? दोस्तों काफी सारी चीजें हमारे समाज में कॉमन है बट उसको नॉर्मल एक्सेप्ट करने के पहले वो हेल्दी है या हार्मफुल है, समाज को फायदा है कि नुकसान है को देखना चाहिए, हाँ कि ना? तो जिस वजह से तंबाकू की वजह से आज ओरल कैंसर हमारे समाज में सबसे कॉमन कैंसर है, दारू की वजह से 22% मर्डर 22% सुसाइड हो रहे हैं, तो क्या इससे हमारे समाज को फायदा ज्यादा है कि नुकसान? तो जिस कॉमन चीज से नुकसान ज्यादा है उसको बढ़ाना चाहिए कि नीचे कम करना चाहिए? दोस्तों दारू अच्छा है ये फैलाने के लिए दारू की कंपनियों के पास पैसा बहुत है बट इसकी हकीकत क्या है ये जानकारी फैलाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। तो ये काम किसको करना है? हम सबको मिलकर करना है, राइट? तो आज मैंने जो बड़बड़ की उसमें से जो आपको अच्छा लगा क्या 10 लोगों को जाके बोलोगे? प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस, थैंक यू। ओके लास्ट में दो चीजें बोलना चाहूंगा, एक दारू छोड़ना मुश्किल है बट असंभव नहीं है, जैसे सर ने अभी बोला उनके सेंटर में जो लोग दारू तंबाकू छोड़ने जाते हैं उसमें से 20-30% छोड़ पाते हैं और 40-50% की कम हो जाती है। छोड़ना मुश्किल है बट अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लो ट्रीटमेंट लो तो पॉसिबल है। तो अगर आपके घर में आजू बाजू कोई भी ये चीजें लेता है तो उन पर गुस्सा मत करो क्योंकि वो खराब नहीं है, वो फंसे हुए हैं, वो कल्प्रिट नहीं है, वो विक्टिम्स है। रिस्पेक्टफुली प्यार से उनको बोलो कि मैं जानता हूं आप अच्छे हो, आप फंस गए हो, आप चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, छूट सकती है, राइट? आप कोई भी एडिक्शन सेंटर में जा सकते हो, अल्कोहलिक एनोनिमस में जा सकते हो, कोई भी डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट जो है उनके पास आप उन्हें लेके जा सकते हो। कुछ दवाइयां हैं जिससे जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो कम होते हैं, इच्छा को कंट्रोल कैसे करें इसकी कुछ टेक्निक्स हैं तो वो डॉक्टर और काउंसलर उनको सिखाएंगे तो वो छोड़ पाएंगे। और जैसे मैडम ने बोला मेरा पूरा जो टॉक है 1 घंटे का यूट्यूब पे है, उसका नाम है पॉइजन्स वी लव, तो आप जब यूट्यूब पे जाओ प्लीज चेक करना, अपने शांति से सुन के लिया, थैंक यू। जोरदार टाळ्या।